इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। मुंडन कराने वाले ये जनाब हैं पिथौरागढ़ जिले के समाज कल्याण अधिकारी एनके शर्मा। ये इन दोनों विभाग की शैली से इस कदर खपा हैं कि इन्होंने पद पर रहते हुए ही सरकार और अपने ही विभाग का क्रियाकर्म कर दिया है। दरअसल जिला समाज कल्याण अधिकारी एनके शर्मा को गुस्सा यूं ही नहीं आया है। बिना प्रमोशन 3 साल में 8वें तबादले से वे ऐसे नाराज हुए कि उन्होंने न सिर्फ अपने विभाग की 13वीं की बल्कि अपना मुंडन भी करा दिया। हालांकि उन्होंने ऐसा पहली बार नहीं किया है। पिछले साल 20 दिसंबर को हल्द्वानी के चित्रशिला घाट पर वो पहले भी मुंडन करा चुके। फिर 1 जनवरी को विभाग के खिलाफ ही त्रिवेणी घाट में विभाग की 13वीं और इसके 1 महीने बाद अब की पिथौरागढ़ के प्राचीन शिव मंदिर पर मुंडन कराए हैं। अब जरा उनका ये दर्द आप भी सुन लीजिए। मैं विभाग को बता चुका था कि मैं सत्याग्रह करूंगा, इसमें 20 तारीख को भी किया, 1 तारीख को भी, आज जो है चूंकि महीना हो रहा था और इससे मेरा आत्मबल बढ़ रहा है क्योंकि जो भी व्यवस्था हो रही है विभाग में, जो सीनियर लोग हैं उनकी जो है वो की जा रही है और जूनियर को जो है प्रमोशन दिए जा रहे हैं, उत्कृष्ट एंट्री होने के बावजूद भी जब हमारे साथ ऐसा वो हो रहा है तो इसके लिए मैं अपने को तैयार कर रहा हूँ क्योंकि ये गरीबों का विभाग है और जहाँ भी मुझे भेजा जा रहा है मैं वहाँ जा रहा हूँ और ये मेरा आत्मबल बढ़ने के लिए मैंने ये कार्य कर रहा हूँ। आमतौर पर समाज कल्याण विभाग पर जनता की सेवा का सरकारी दामोदार होता है। अधिकांश पेंशन भी इसी विभाग से गरीबों असहायों को दी जाती है। शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की सुविधा आम जन को देने की भी जिम्मेदारी इसी विभाग के कंधे पर है। अब अगर अधिकारियों को भी अपनी बात रखने के लिए नेतागिरी करनी पड़े तो इसे लेकर क्या कहा जाएगा। पिथौरागढ़ से साधना न्यूज के लिए जगदीश पंत की रिपोर्ट।